झारखंड के वित्त मंत्री ने झारखंड विधानसभा के पटल पर बजट पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पेश किए गए बजट के मुख्य बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। 4 साल में स्थापना हुई की तुलना में योजना में बढ़ोतरी हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री झारखंड द्वारा पेश किए गए बजट के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को कॉपी पेस्ट की संज्ञा दी है। पैसा कमाने के लिए बजट के प्रावधान करो लूटो और खाओ से कोई भी राज्य तरक्की नहीं करता है। यह बजट में सिर्फ खाओ पकाओ की योजना है। कल्याण विभाग में आप जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के गांव में रहते हैं या देश के दूसरे राज्य के राज्यों में भी रहते हैं, उनको अपने सांस्कृतिक केंद्र से बड़ी लगाव होता है और सांस्कृतिक केंद्र हमारे लिए अखड़ा है। आप जाते होंगे गांव देहात में, देखते होंगे अखड़ा बीच में बना रहता है जहाँ हफ्ता डेढ़ हफ्ता में लोग जुटते हैं, किसी तरह के फैसले लेते हैं जो भी गांव का हो, और फिर नृत्य का भी प्रोग्राम होता है। तो हमारा सांस्कृतिक केंद्र अखड़ा का निर्माण गांव-गांव में कराया जाएगा। साथ ही वाद्य यंत्र आदिवासी मूलवासी के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया आदि का वितरण आपूर्ति सरकार करेगी ताकि संस्कृति हमारी बची रहे, आगे विकास भी उसका हो। पथ निर्माण में कोर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनका उन्नयन न्यूनतम इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एवं इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर का निर्माण तथा रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल फीडर पथों का निर्माण का लक्ष्य है। उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों का निर्माण का लक्ष्य है ग्राम कार्य विभाग द्वारा। ऊर्जा विभाग द्वारा अभी तक हम लोग 100 यूनिट माफी किए हुए थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 नहीं, इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया जाए। तो प्रस्तावित है इस 24-25 के वित्तीय वर्ष में कि हम 125 यूनिट माफ करेंगे गरीबों का अगर वो बिजली जलाएंगे। उच्च शिक्षा में उसी तरह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का नामांकन में सुधार करने का उद्देश्य राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर पर 30,000 प्रतिवर्ष की सहायता वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिर विद्यार्थियों को बाजार प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने एवं उनके रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए उभरती प्रौद्योगिक क्षेत्रों यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AR VR एक्सेट्रा और बाजार मांग वाले सेवा तथा रिटेल, हॉस्पिटलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज आदि की स्थापना का प्रस्ताव है। 19 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रीन पास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी का स्थापना का प्रस्ताव है। खाद्य सुरक्षा में
हम बताना चाहेंगे आपको। पहले ग्रीन कार्ड, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड जो हम लोग देते हैं उनकी संख्या 20 लाख थी। इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख बढ़ाकर उसको 25 लाख किया जा रहा है। डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है, उनकी मांग थी पुरानी। तो वित्तीय स्थिति के अंतर्गत जो स्थिति है सरकार की, हम 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल उनको देने जा रहे हैं। बातें की थी जिस समय उन्होंने कहा था कि हम माफ करेंगे, आप याद करिए उस समय जी। अब पूरे 4 साल गुजर गए, 2 लाख रुपया तक उस समय भी बजट में ही कहा था, बजट में तो यहाँ तक पिछले बार जब शुरू में सरकार इनकी बनी थी तो नौजवानों के लिए भी उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या हुआ सर? सरकार ये दावा आओ पकाओ वाला बजट, सर सरकार यह दावा कर रही है कि आर्थिक रूप से राज्य मजबूत हुआ है, बाल बजट। अरे वो कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कहा खाओ पकाओ बजट। चलो ठीक।